नमस्कार। गडचिरोली पोलीस दलाच्या वतीने COVID-19 या विषाणूजन्य साथीच्या रोग प्रसारामुळे लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीच्या काळात विद्यार्थ्यांची अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुरू राहण्यासाठी लर्निंग फ्रॉम होम प्रोग्राम सुरू करण्यात आला आहे। हॅलो एवरीवन, माय सेल्फ गजानन गवारे अँड टुडे वी विल लर्न अबाउट रियल नंबर 10th क्लास फर्स्ट लेसन। ओके, 10th क्लास मॅथमॅटिक्स इज द फर्स्ट लेसन अँड टुडे वी लर्न रियल नंबर। सो रियल नंबर ये आपका फर्स्ट लेसन है मैथमेटिक्स का, जो हमारा क्लास फर्स्ट, इसे हम नाम देंगे क्लास फर्स्ट, जो कि हम COVID-19 के चलते ये चला रहे हैं। आपको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये क्लास वन मतलब मैथमेटिक्स मतलब 10th क्लास की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो उसका ये क्लास फर्स्ट है, जो कि मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेसन रियल नंबर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपको डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे आपको देखनी है और उसको फॉलो करते चलते जाना है। ओके, तो चलिएगा, सबसे पहले हमें पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। तो आपके पास अगर आपकी CBSE की NCERT नोट्स होगी, जो NCERT बुक्स होगी, वो आपको ओपन करके बैठना है, ठीक है। और इसमें जो हमारा जो फर्स्ट लेसन है रियल नंबर, उसको हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, हमारे रियल नंबर में सबसे पहले में इसके कोई भी चीज़ पढ़नी होती है हमको, तो हमको सबसे पहले उसका सिलेबस पढ़ना होता है। और मैथमेटिक्स के सिलेबस में हमारा जो फर्स्ट लेसन है रियल नंबर, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, उसका सिलेबस उसमें टॉपिक क्या होते इंक्लूड, वो देखिएगा। फर्स्ट होता है हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी होता है, क्योंकि आपको रियल नंबर क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको यहाँ पे पता लग जाए। दूसरा यहाँ पे मेन पॉइंट है हमारा, जो कि है यूक्लिड डिवीजन फार्मूला। ओके, ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन फार्मूला। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, और ये लास्ट सेकंड वन, फोर्थ नंबर पे हमारा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। और लास्ट है हमारा रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट ये हमारे 5 टॉपिक्स है जो हमारे रियल नंबर होगा। इसमें से हमारा बेसिक यही है, हमको यही 5 पॉइंट पढ़ने हैं और इसी 5 पॉइंट में से आपको सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये रियल नंबर क्या होता है? ओके, आपने नंबर के टाइप पढ़े, नंबर के बहुत सारे टाइप होते हैं। ओके, नंबर के टाइप है हमारे पास कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होता है, वोल नंबर होते हैं। ओके, वैसे आपके होते हैं रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब जो हमारे नंबर के टाइप है, उन टाइप में से एक जो टाइप है हमारा रियल नंबर, जो है उसकी स्टडी आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। और रियल नंबर का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। मतलब ये रियल नंबर कौन से होंगे? यही हमारे वोल और नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है। तो इन इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कि ये रियल नंबर निकालने होते, रियल नंबर की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो हमको यहाँ पे फॉलो करनी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन फार्मूला। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट फार्मूले की तरफ जा रहा हूँ। आपके यहाँ पे किताब में फर्स्ट पॉइंट है, पेज नंबर, यहाँ पे आप जाएंगे पेज नंबर 2 पे, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। पेज नंबर 2,
आप सब लोग पेज नंबर 2 ओपन करेंगे, वहां पे लिखा है 1.2 क्लिड डिवीजन फार्मूला। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन फार्मूला। सबसे पहले ये यूक्लिड मतलब यूक्लिड क्या है, ये साइंटिस्ट का ही नाम है। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से नाम है, ओके ये यूक्लिड नाम का साइंटिस्ट था, इसने जो डिस्कवर किया इसके लिए उसका नाम दे दिया गया यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन फार्मूला। अब यूक्लिड डिवीजन फार्मूला क्यों कहा गया यहाँ पे, आपने एक नाम मतलब डिवीजन मेथड पढ़ी डिवीजन, ओके डिवीजन में क्या क्या होता है, डिवीजन में होता है ऐसे हम डिवाइड करते सपोज, ठीक है यहाँ पे होता है डिविडेंट, यहाँ पे होता है डिवाइजर, ओके ये क्वेश्चन होता है ओके और जो बचता है हमारा उसे कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है तो ये तो सबको पता होता है। अब इसमें क्या, इसको हम फार्मूला बेस पे लिखते हैं, कैसे फार्मूला बेस पे लिखते हैं चलो देखेंगे, डिविडेंड बराबर, ठीक है डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डिवाइजर मल्टीप्लाई, ओके डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ओके ये फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसी फार्मूले के बेस पे हमारा जो यूक्लिड डिवीजन फार्मूला है वही बनाया गया है। ठीक है यहां पे हम किसी डिवाइजर को फाइंड आउट करना होता है तब हमको क्या चाहिए, डिवाइजर चाहिए, क्वेश्चन चाहिए और जो होता है रिमाइंडर चाहिए। ठीक है इसी बेस पे हम क्या निकालेंगे, डिविडेंड निकालते हैं। तो चलिएगा सबसे पहले तो मैं इस यूक्लिड डिवीजन फार्मूले का इस्तेमाल क्या है और इसकी निकालने की मेथड क्या होती है वो मैं बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके देखिएगा यहाँ पे ये जो मेथड थी यूक्लिड डिवीजन फार्मूले की ये बनाई गई है आपके लिए, क्या यहाँ पे लिखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एज द नेम सजेस्ट हैज टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटेजर, ओके डिविजिबिलिटी ऑफ इंटेजर्स। तो अब यूक्लिड डिवीजन फार्मूला हम किसके लिए अप्लाई करने वाले, जो इंटीजर्स है उनकी डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है तो डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या जरूरी होते हैं हमारे यहाँ पे, इंटीजर्स जरूरी है, इंटीजर आप कोई भी काउंट कर सकते हैं, ए मतलब आप मान लो ए या बी ये क्या है हमारे, कोई तो टू डिविजिबल मतलब इंटीजर्स है, ओके अब इनका जो एचसीएफ होगा, ठीक है इनका जो एचसीएफ होता है वही है हमारा यूक्लिड डिवीजन फार्मूले में आने वाला आंसर। ठीक है तो HCF हमको क्या करना है, इस यूक्लिड डिवीजन फार्मूले से क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। अब HCF क्या होता है वो भी बच्चों को पता होना चाहिए, HCF ठीक है इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जो आपने LCM HCF पढ़ा होगा क्योंकि ये आपका 9th स्टैंडर्ड में हुआ होगा बच्चों। ठीक है तो अभी हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, रियल नंबर ये आपका 10th क्लास में एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है तो HCF क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि हमको फाइंड आउट करना, ये आता कैसे आपको पता होना चाहिए, ये एक सिर्फ कॉमन ओके कॉमन फैक्टर मल्टीप्लीकेशन होता है, ओके जो आपके नंबर होंगे या इंटेजेंस होंगे उन नंबरों का कॉमन फैक्टर ही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। वही आपको किस मेथड से निकालना है, इस यूक्लिड डिवीजन फार्मूले के मेथड से निकालना होता है। ठीक है तो यहां पे चलेगा, हम देख रहे हैं अभी यूक्लिड डिवीजन फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे इक्वेशन दिया, मैं यहां पे थ्योरम है, थ्योरम हम उतना लेंगे नहीं, हमको शॉर्ट जाना है। ठीक है क्योंकि आपका एज ए क्रैश कोर्स है जो कि हमारे क्लास में चलने वाला है। तो देखिएगा यहां पे ए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, ए बराबर या इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ओके यहां पे देखिएगा यहां पे नोट क्यू और आर कैन ऑल्सो बी जीरो, मतलब क्यू या आर जो होते हैं हमारे वो जीरो हो सकते हैं। ठीक है आप यहां पे जीरो पुट कर सकते हैं उनको, अगर आपको कोई भी आंसर आता है तो आपका जो ये रिमाइंडर की तरह वर्क करेगा, क्यू क्वेश्चन की तरह वर्क करेगा, ओके ये
डिविडेंड की तरह वर्क करेगा, सॉरी डिवाइजर की तरह, और ए हमारा डिविडेंड की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू और आर है वो हम जीरो रख सकते हैं, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे उन्हें जीरो आ गया तो आप ये नहीं कहेंगे गलत होगा, नहीं, आपकी कंडीशन है, उन्हें कहा कि क्यू और आर जो होते वो हम जीरो रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल लेके देखेंगे इसका बेस पे। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास 17 17 6, ओके। ये कुछ तो हमारे पास इंटेजर्स दिए, ये पेयर ऑफ इंटेजर्स कहते हुए कि पेयर ऑफ इंटेजर्स, ठीक है। तो हमारे पास है, हम फार्मूले की तरफ से जो बड़ा होता है, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, मतलब जो ए होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होता है भाई, ऑलवेज ग्रेटर देन क्यू से, ठीक है। जो आपका ए होगा मतलब हम इसको ए काउंट करेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या काउंट करेंगे, क्यू काउंट करेंगे। तो यहां पे देखिएगा 17 इज इक्वल टू, अब मेरे पास तो ये फार्मूला डायरेक्ट लिख लेंगे पहले ए बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इस फार्मूले ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू तो हम 17 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे तो मैंने ये 6 पुट कर लिया, सॉरी इसे बी काउंट कर लेंगे 6 मल्टीप्लाई, अब ये जगह तो खाली है प्लस, और ये भी जगह खाली है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो नंबर होगा ये वाला जो स्मॉल नंबर है वो इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जितने बार कितनी बार डिवाइड करता है आप देख लेंगे यहाँ पे। अगर मैं 17 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 17 को 6 से डिवाइड करता हूँ, मतलब क्या, किसी एक क्वेश्चन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 6 कितने का होता है, 6 3 जा 18 होता है, तो 18 तो बनेगा नहीं, 6 2 जा 12, ओके 6 2 जा 12। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर मुझे 5 मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मतलब मैं 6 को कितने के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ओनली 2 के ही साथ, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, तो इस जगह पर मैं 2 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो क्यू की वैल्यू मिल गई वो मुझे कितनी मिली, 2 मिली। तो देखिए यहाँ पे 17 बनाने के लिए मुझे क्या करना, इज इक्वल टू मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट साइड मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। और यहाँ पे देखेंगे आप 6 इंटू 2 हुआ, 6 इंटू 2 इतना क्या आंसर मिलता है यहाँ पे 12, तो 6 इंटू 2 तो 12 होता है। तो इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचा है मेरे पास, 5, तो मैं इस जगह पे लिख दूंगा 5, ठीक है। तो यूक्लिड डिविजन फार्मूले में हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, क्या फार्मूला था हमारा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमने वैल्यू पुट की, ये पेयर ऑफ जो बड़ी वैल्यू होती है वो ए वैल्यू होती है, 6 वैल्यू ये बी की होती है, क्यू यानी हमको फाइंड आउट करनी होती है, और आर तो मतलब यानी रिमाइंडर होता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि चलो इसका भी मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके देखेंगे तो 6 टू जा 12, 12 प्लस 5 17, मतलब LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप फिर से, क्योंकि हम यूक्लिड डिविजन फार्मूले में कहता है कि जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता, कब तक, जब तक ये वाला पार्ट, ये ठीक है, ये पार्ट जब तक जीरो नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या बचा हुआ यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप सेम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो 5 है रिमाइंडर, इसको बड़ा नंबर पकड़ेंगे, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ तो नंबर आ जाएगा प्लस ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस रिलेशन होल्ड्स, 12 इज लार्जर देन 5, ओके। यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है, ये है कंडीशन आपकी R इज B, ठीक है। हमारा जो R होगा वो क्या होगा, एक तो B से लेस होगा या जीरो से बड़ा होगा या इक्वल टू होगा, मतलब ये जो R होगा इस B से क्या होना चाहिए, बड़ा मतलब B से स्मॉल होगा, ठीक है, और इस इज इक्वल टू जीरो या इज इक्वल टू मतलब कोई मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए या इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये कंडीशन लिखी है इज इक्वल मल्टीप्लाई जीरो प्लस 5, और उन्हें यहाँ पे बता दिया है कि क्या, कि दिस रिलेशन होल्ड सिंस 12 इज लार्जर देन 5, सही है। यहाँ पे देखिए आप, ये 12 जो है इस 5 से क्या हुआ, लार्जर हो गया है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा दिस रिलेशन होल्ड सिंस 12 इज लार्जर देन 5। नेक्स्ट 20, ठीक है, 20 इज इक्वल टू
सॉरी ये सेकंड वाली कंडीशन थी, मतलब ये पेयर अलग था। ओके ये तो पेयर फॉलो कर गया था, ये नेक्स्ट पेयर था ये अपना 5-12 वाला पेयर था, ठीक है, ये नॉट फॉलो वाला है नॉट। अब नेक्स्ट पेयर है हमारा 24। ओके 20 और 4 के लिए हम करके देखें, 20 यहाँ पे 4 होगा, कौन सा नंबर आ जाएगा भाई यहाँ पे? मैं तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, 4 यहाँ पे 20 पे डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम 5 टाइम, 4 × 5 कितना होता है 20, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इस टाइप से आपको क्या करना है, ये 1 मार्क के लिए पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा इस बेस पे यूक्लिड डिवीजन फार्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ओके फार्मूला लिखना है और एक क्वेश्चन पेयर ऑफ दिया जाएगा, जैसे कि आपको एक पेयर नंबर दिया जाएगा, इंटीजर दिए जाएंगे और उस इंटीजर को आपको देख चेक करना होता है, एक तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न में अभी ऑब्जेक्टिव आ गया, तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि ये वाला पेयर नंबर या अलग पेयर नंबर पेयर ऑफ इंटीजर्स जो है ये यूक्लिड डिवीजन फार्मूला फॉलो करते हैं क्या। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर होता है उसे ए काउंट करना है, जो स्मॉल नंबर होता है उसे बी काउंट करना है और बाकी के आपको फाइंड आउट करना है, कैसे, वही फंडा है हमने अभी जो लगाया, क्या करना था 17 को ए की जगह लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ए बराबर 17 बी बराबर 6, ठीक है, फार्मूला मेरे पास था, फार्मूले में हम पुट कर लेंगे तो क्या आंसर मिलेगा 17 इज इक्वल टू 6 इंटू, तो मैंने पहले ही कहा था ये नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे 17 को डिवाइड करेंगे 6 से, किससे 17 को डिवाइड करेंगे 6 से, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये फार्मूला याद रखना था, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये अगर आपको फार्मूला पता है या इसके बारे में बेसिक भी पता है तो आपको ये पता लग जाए, कैसे आएगा, जब मैं इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलता है, तो 6 को मैं अगर 17 से डिवाइड बनाता हूं तो कितने टाइम जाता है यहाँ पे 2 ही टाइम जा रहा था और रिमाइंडर कितना बच रहा था यहाँ पे 5, तो यही हमको इस टाइप से निकालना था, अगर ये फॉलो करता है रूल तो ये आपका आंसर सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी बेस पे हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिविजन लेमा, मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क ले पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट थ्योरम के फॉर्म में पूछा है, ये थ्योरम पूछेगा आपको 1-2 मार्क के लिए, ठीक है, थ्योरम 1.1 आपके पास बुक से या नोट से उस वहां पे देख लीजिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है, ये थ्योरम आपको स्टेटमेंट पूछ सकती है, इसकी जो स्टेटमेंट होगी, ओके स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको इस स्टेटमेंट के बीच पे 1 मार्क के लिए आपके क्वेश्चन बन जाता है, तो क्या होगा, गिव पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है, यहां पर उन्होंने क्या, गिव पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कॉमा देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, ठीक है, हमको क्या करना है, ये पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है हमको, क्या ए एंड बी, उनको क्या करना है, ये एग्जिस्ट करते क्या, ये कौन से इंटीजर्स के लिए, क्यू एंड आर जो हमारे होते हैं ये इंटीजर्स, इनको ये फॉलो करते हैं या एग्जिस्ट होते हैं इनमें, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, सैटिस्फाइंग ए बराबर या ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देखिए आ गया यहाँ पे कौन सा फार्मूला हमारा, ये है यूक्लिड डिवीजन फार्मूला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कंडीशन क्या होगी, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर और लेस देन बी, ठीक है, ये कंडीशन है हमारी और ये आपको हम क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको ये थ्योरम तो पूरा प्रूव करना नहीं है, सिर्फ इसी बेस को यहाँ पे क्या समझना क्या है, डायरेक्टली समझिएगा, ये स्टेटमेंट कह रहा है आपको जब तक कब तक ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को कब तक सॉल्व करना है, जब तक, ओके अंटिल आर इज इक्वल टू 0, मीनिंग समझ में आया,
कब तक सॉल्व करते जाना है इस इक्वेशन को, जब तक रिमाइंडर आपका जीरो ना आ जाए, ठीक है। तो जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, कैसे सर ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, हम इसी बेस पे हम एग्जांपल लेंगे, आप इस एग्जांपल पे समझ जाएगा कि इस इक्वेशन को रिमाइंडर जीरो कब तक आएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, स्टेटमेंट मिटा दे रहा हूं, एग्जांपल पे थोड़ा गौर कीजिएगा, ये अगर आपका एग्जांपल है, ठीक है। अगर मैंने एग्जांपल लिया कोई, तो दो नंबर है मेरे पास, जैसे कि 455 एंड 42, ठीक है, 452 एंड 42, ये मेरे पास दो इंटेजर्स है। इन इंटेजर्स का हमको क्या निकालना था, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हमको आंसर सॉल्व करना था, ठीक है। अब ये क्या, यहां पे आपको पूछेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, और ये सॉल्व करना था। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम आंसर कौन सा निकाले, हमको डायरेक्टली आंसर का मीनिंग, आंसर मतलब क्या निकालना था भाई, SCF ही निकालना था। शॉर्टकट मेथड तो बहुत है, मगर हमको इस मेथड से जाना है, कौन से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, और निकालना क्या था, SCF। तो चलो देखिएगा SCF कैसे निकालते इस फार्मूले से। फार्मूला क्या था मेरे पास, ए बराबर या इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, ये बहुत ही काम करता है, ये फार्मूला आपको याद रखना ही है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। उसके बाद हमने पहले ही कहा था जो बड़ा नंबर होता है वो ए होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ए बराबर 455 और बी बराबर हो जाएगा 42, ठीक है। तो आंसर पुट मतलब वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन द इक्वेशन, ठीक है। तो क्या आंसर मिलेगा भाई मुझे, 455 इज इक्वल टू 42 प्लस सॉरी इंटू, यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा है अभी, ठीक है, ये Q और R की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब कैसे निकालना, मैंने पहले ही कहा था इस 42 से मैं क्या करूंगा, 455 को डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं 455 को कितने बार डिवाइड कर सकता हूँ, 42 से, 42 को मैं 455 से डिवाइड करके देखो, 42 × 42, चलो यहाँ पे बचता है 35, मतलब मैं वन ही बार कर रहा हूँ। अब जाएगा क्या, यहाँ पे रिमाइंडर 35 आ गया और मेरा किसी भी इस नंबर में वन टाइम से मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया क्या, और ये बन जाएगा जीरो बन जाएगा, सॉरी 10 टाइम चला जाता है, 10 टाइम। तो यहाँ पे मेरा आंसर बन जाएगा 10 टाइम, मतलब 42 × 10 कर दो, मुझे आंसर क्या मिलेगा, 420। ओके, 420 में और कितनी की कमी है इसके लिए, इतनी कमी है 35 की, ठीक है, 35। तो 35 मेरा रिमाइंडर होगा, 10 यानी कौन होगा मेरा, Q होगा, 42 मेरा तो B है ऑलरेडी और A मेरा 42 है। अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर यानी R जो है, ओके, इसे हम तो R बना R ही कहते हैं, R जीरो हो गया नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी मेरी, फिर से मेरी नेक्स्ट स्टेप होगी, क्या नेक्स्ट स्टेप होगी, ये जो 42 है, इस 42 का अब नाउ कंसिडर, अब क्या कंसिडर करेंगे, 42 इज इक्वल टू ए कंसिडर करेंगे और ये जो रिमाइंडर होता है, ओके, और बी बराबर 35, ये कहाँ से आया, इसी से हमने सिलेक्ट किए 42 और 35। यहाँ पे अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, 42 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये और ये वाला नंबर निकालेंगे। अब मैं 35 को 42 को डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम चला जाता है, सिर्फ वन टाइम, ठीक है। मैं अगर 35 × 1 = 35 तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 35 और रिमाइंडर कितना बनेगा वो 5, 7, ठीक है। तो आंसर क्या बना हमारा, 7। अभी भी रिमाइंडर जीरो आया क्या, नहीं। फिर से नेक्स्ट स्टेप, नाउ कंसिडर, फिर से ओके, नाउ कंसिडर, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंसिडर करना था मुझे, इस 35 को ए काउंट करूंगा और इस आर को बी काउंट करूंगा। कंसिडर क्या करूंगा मैं, ए इज इक्वल टू 35 एंड ओके बी इज कंसिडर टू 7, देन पुट इन इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आंसर क्या बनेगा आपका, 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, ये ब्लैंक रखता हूँ और ये भी ब्लैंक रखता हूँ क्यू। अब देखिएगा 7 का मैं 35 में कितने टाइम्स कर सकता हूँ, 7 × 5 = 35 होता है, ओके, तो 7 × 5 यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ, देखिएगा 7 × 5 = कितना हुआ, 35। तो रिमाइंडर बचता है क्या, आपने देखा
कि अगर मैं 35 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं, 7 5 35, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? 0। तो क्या कह रहा था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा? ये थ्योरम ही कहता है कि कब तक आपको सॉल्व करते जाना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, क्या करें फिर से एक बार मैं आपको याद करके दे रहा हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम दिया हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछेगा, ये दो इंटेजर्स दिए होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिए, एक बड़ा ही होगा और एक स्मॉल होगा, आपको सिर्फ ऐसे देखते ही आपको ये फार्मूला लगाना है, ऐसे देखते ही उसने कहा यूक्लिड लेम्मा से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ये फार्मूला याद रखते हैं आपको क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू कौन होगी, बी की वैल्यू कौन होगी, ये अगर दो वैल्यू आपको पता है इन दोनों में से, उल्टा नहीं करना है, ठीक है, आपको एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करना है, आपको याद रखना चाहिए ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए आपका क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि वो क्या है, डिविडेंट है, और बी क्या है, डिवाइजर है, तो डिवाइजर कभी भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा ना। तो आपने देखा यहाँ पे ए की वैल्यू 455 डाली हमने, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या डाली ये देखिए 42। ओके, तो हमारी फर्स्ट स्टेप तो ये थी, फर्स्ट स्टेप में हमने पूरा वैल्यू डाल दिया, रिमाइंडर मुझे कितना मिला था, 10 मिला था, रिमाइंडर कितना मिला 35 मिला था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब ये तो स्टेप हो गई थी, जिसको मैंने राउंड किया है, देखिए राउंड किया है यहाँ पे, तो ये फिर से ये दो वैल्यू निकलने, सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू लेने थे हमको, बी की और आर की वैल्यू को लेना है, मगर एक्सचेंज करके, कैसे, हमने जो बी की वैल्यू थी उसको हमने ए काउंट किया था, और जो आर की वैल्यू थी उसे बी काउंट किया, देखिएगा मैंने बी मतलब बी किसके लिए काउंट किया था, आर, और ये जो हमारा बी था इसको हम एक बनाए थे। अब फिर से यही दो नंबर पकड़ के फिर से वही फार्मूला में डालेंगे, इसी फार्मूला में यूज करेंगे, तो आपके आंसर में फिर से रिमाइंडर कितना मिला, 7 मिला, फिर से वही रूल, क्योंकि हमको रूल कहां तक जाना था, क्योंकि रिमाइंडर 0 रहना है, तो मैंने फिर से 7 और 35 का यूज किया, 7 को मैंने बी काउंट किया, 35 को ए काउंट किया, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है, फिर इसका इस्तेमाल कर फिर मैं फार्मूला में पुट किया, तो मुझे आंसर मिला 0। फाइनली मुझे आंसर क्या मिला, 0 मिला। तो ये होता है आपका यूक्लिड डिविजन लेम्मा। ठीक है, चलेगा आगे उसके बाद, और इसे ही हम कहते हैं यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम वगैरह, नाम अलग अलग है मगर मेथड एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे आपको, यहाँ पे थ्योरम भी दिए हैं, जो कि थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है, करने भी चाहिए। ठीक है, तो हम एक ओवरलुक डालेंगे उस पर, वहां पे सिर्फ उन थ्योरम पे हम एक बार ओवरलुक कर लेते हैं। चलेगा यहाँ पे मेरा फर्स्ट, ओके, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं इसके बेस पे। ठीक है, हाँ चलेगा, एक एग्जांपल मिल गया हमको। आपको वर्ड में कभी कभी एचसीएफ फाइंड आउट करने को बोलेगा। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट क्या कहेगा, देखो यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है, ऐसा वर्ड आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, एचसीएफ वर्ड आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना होता है। ठीक है, एचसीएफ का मीनिंग क्या है, एक स्मॉल फैक्टर, सॉरी लार्जेस्ट फैक्टर कहते हैं उसे, मगर वो होता है स्मॉल ही होता है, वो फैक्टर आपको क्या करेगा, उन नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे उन्होंने नंबर दिया है, एक है 42 और दूसरा है हमारा 130। ठीक है, इस नंबर का, इन दो इंटेजर्स का हमको क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। तो मैं यूक्लिड, यानी उन्होंने कहा यूक्लिड एल्गोरिदम की मेथड से जाना है। ठीक है, तो मेरा फार्मूला होगा ए बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये फार्मूला है, तो मैंने ए बराबर क्या काउंट किया, 42, और बी बराबर मैंने काउंट किया 130। ठीक है, ए बराबर 420 और बी बराबर 130। उसके बाद मैंने वैल्यू पुट कर दी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 420 इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई प्लस आर। ठीक है, मतलब प्लस आर नहीं कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे, तो क्या हो जाएगा 130। तो कितने टाइम चला जाता है यहाँ पे देखिएगा, ओके, 3 टाइम चला जाएगा, 130 डिवाइडेड बाय 420। ठीक है, कितना चला जाएगा, 13 2 26 होता है, 13 3 39, ओके, तो ये चला जाएगा 30 टाइम्स, ये हो जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका क्या, 0। ये हो जाएगा 12 में से 9 गए, कितना होता है भाई, 12 में से 9 गए, ये 3 आ जाएगा,
ओके तो 30 आपका क्या बनेगा, रिमाइंडर बनता है। तो यहां पे मैं काउंट करूंगा 30 और ये सॉरी 30 नहीं 3 3 टाइम जाता है 3 और ये बन जाएगा कितना, रिमाइंडर कितना बचा हमारा यहां पे 30। ठीक है देखो 130 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपका आंसर मिलेगा कितना 390। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा 30। ठीक है तो ये आंसर यहां तक तो आ गया। उसके बाद फिर से हमने क्या किया, इसको और इस नंबर को रिप्लेस करना है, इसको काउंट